छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं। इसे लेकर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता के दबाव में आकर सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दामों को घटाया है। बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे। इसका रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था और मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र भी लिखा था और बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी। पत्र में सांसद ने आरोप लगाया था कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी है, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में सीमेंट की कीमत वृद्धि पर चिंता जताते हुए ये भी बताया था कि कीमत वृद्धि का असर छत्तीसगढ़ में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, भवन, पुल, पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज और पीएम आवास योजना पर भी पड़ेगा। इस तरह की गई वृद्धि से शासकीय प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा, जो कि राज्य और देश के हित में नहीं है। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमने सीमेंट के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए जाने के कारण इसका विरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा था और इसका असर भी हुआ। मेरी जानकारी में आया है कि सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए रेट कम कर दिए हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि जो पुराना रेट है वही रेट लागू रखा जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में विकास के काम, निर्माण के काम तेज गति से हो सके। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, वो आम गरीब लोगों के स्वीकृत किए हैं, और इसलिए गरीब अपना आवास निर्बाध रूप से बना सके, इसके लिए मैं चाहूंगा कि शासन को अपने स्तर पर पहल कर पुराने दर पर ही सीमेंट मिले। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जनता का दबाव है और साथ में मीडिया ने भी इस विषय को अच्छे तरीके से उठाया, इसलिए मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ।